गाइस, दिस इज हिमांशु हियर बैक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। सो गाइस, कैसे हो सब लोग? सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द इन्फोलिंक्स रिव्यू 2020। ओके, इन्फोलिंक्स मतलब 2020 में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, लाइक कितना अर्निंग हो रहा है इन्फोलिंक्स से, क्या CPM दे रहा है एंड कैसा इंप्रेशन आ रहा है, कितना रेट है, यूज करना चाहिए कि नहीं, तो ये बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये फुल रिव्यू होगा इसका इन्फोलिंक्स के बारे में, और 2020 में अभी जो करंट टाइम पे चल रहा है लाइक COVID-19 इशू के बाद में, तो कैसा रिव्यू दे रहा है एंड अभी आपको इसके यूज करना चाहिए या नहीं, यही फुल डिटेल में बताऊँगा। ओके, तो पहली बात तो ये बेसिकली मुझे जो लगता है कि आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका लाइक वो लोग मतलब नॉर्मली खुद के ब्लॉग के लिए तो ये इन्फोलिंक्स यूज नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज ब्लॉगिंग के लिए Media.net या फिर एडसेंस ऐसे यूज करते हैं, तो इन्फोलिंक्स कोई नहीं यूज करता। जितने भी होंगे वो सब मूवी डाउनलोडिंग साइट ऐसे और रिडायरेक्शन साइट या फिर URL शॉर्टनर साइट ऐसे साइट के लिए यूज कर रहे हैं। तो मेरा भी ऐसे ही फाइल डाउनलोडिंग का साइट है, तो उसमें मैंने इन्फोलिंक्स लगाया था, तो ट्राई कर रहा था मैं, तो बेसिकली उसका रिव्यू मैं दूंगा एंड कैसा चल रहा है, कैसा अर्निंग हो रहा है एंड आपको बेसिकली यूज करना चाहिए कि नहीं, ये बताऊंगा। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। बिफोर गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स बिगिन। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन टू रिसीव आवर लेटेस्ट अपडेट्स। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय PC ओवर हियर। ओके, तो चलिए देखते हैं इन्फोलिंक्स का क्या रिव्यू आ रहा है एंड अभी 2020 COVID-19 सिचुएशन में बेसिकली इन्फोलिंक्स कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या CPM रेट दे रहा है। तो मैं एक्चुअली मेरे अपलोडिंग साइट जो है अपलोड मनु उस पर यूज़ किया था इन्फोलिंक्स को कुछ दिन के लिए, लाइक टेस्ट कर रहा था कि कितना CPM रेट क्या दे रहा है एंड उस हिसाब से आप लोग को भी मैं भी जान गया हूँ तो मतलब अभी क्या CPM रेट दे रहा है। तो चलो आपको भी बता देता हूँ कि इन्फोलिंक्स अभी क्या CPM रेट दे रहा है एंड अभी आपको यूज करना इन्फोलिंक्स आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, वही बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं, मैं डायरेक्टली मेरे ब्राउज़र यहाँ पे ओपन है उसको क्लिक कर देता हूँ, देन यहाँ पे इन्फोलिंक्स सेव है, मैं डायरेक्टली उसको ओपन कर देता हूँ, देन यहाँ पे लॉगिन हो गया है। तो मैं लॉग आउट करके एक बार लॉगिन कर देता हूँ, मेक श्योर कि बेसिकली कुछ लोग अगर बोलेंगे तो लाइक कि सेफ पेज भी हो सकता है ऐसा बोलेंगे, राइट? ओके, तो इसके लिए मैं देख रहे हो लॉग आउट करके मतलब यहाँ पे लॉगिन बटन दबा दिया। ओके, तो देख सकते हो इसमें भी ऐसे adstock.txt फाइल डालना पड़ता है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग रिपोर्ट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स क्लिक किया मैंने, देख सकते हो रिपोर्ट्स पे ये मैं मतलब कौन सा मंथ है, 6 मतलब कि लाइक जून पे यूज कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जून इसी मंथ का है, तो कुछ दिन पहले का ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही फालतू है, वो पहले से ही बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो 4 जून को मैं यूज किया था, फर्स्ट 4 जून को लगाया था, अप्रूवल मिला था उसी दिन लगा दिया था। तो वहाँ पे 1100 के करीब पेज व्यू हुए, 1400 के करीब एड इम्प्रेशन आए यहाँ पे 1400 के करीब, तो CPM रेट जो है 00 रहा, बिल्कुल 00 यार, देख सकते हो अपने आँखों से, लाइक इतना 00 कौन देता है। तो उससे भी लाइक 0.01 का अर्निंग हुआ, जो कि बहुत ही फालतू है यार, ये लोग ने मतलब कुछ नहीं देंगे बोल के ऐसे ही जस्ट भिखारी को देने जैसे लगा दिया। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो 5 जून को भी 1300 के करीब पेज व्यू हुआ, 1600 के करीब इंप्रेशन आए, 1600 के करीब इंप्रेशन, देन यहाँ पे भी 00 CPM रहा, देन 0.01 अर्निंग हुआ। तो देख सकते हो उसके नेक्स्ट दिन 6 तारीख को 1000 के करीब पेज व्यू हुए, देन यहाँ पे लाइक 1346 के करीब लाइक एड इम्प्रेशन आए, देन यहाँ पे 00 बिल्कुल 00 सब जीरो कर दिया इस दिन, देख सकते हो। इसी दिन मतलब मैंने ये साला बिल्कुल बेकार है बोल के मैं हटा दिया। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हो 237 296 0.02 यहाँ पे बहुत ही फालतू है। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट दिन देख सकते हो जब मैंने हटा दिया उसी दिन को लाइक 200 पेज व्यू आए, सिर्फ 200 पेज व्यू आए, उसमें 297 लाइक एड इम्प्रेशन आए, उसी दिन सालों ने 0.06 CPM दिया, मतलब उससे जो है अर्निंग 0.02 हुआ। तो मेरे ख्याल से लाइक ये लोग क्या करते हैं, जिसका कम पेज व्यू आता है उसको अच्छा CPM देते हैं, जिससे कि उसका अर्निंग होगा अभी तो मतलब अर्निंग कैलकुलेट होगा अभी तो वो मतलब कम रहेगा लाइक 0.02 0.05 0.07 ऐसे रहेगा, एंड अगर जिसका ज़्यादा पेज व्यू रहेगा CPM कम कर देंगे, जिससे कि उसका जो है रेवेन्यू जो क्रिएट होगा वो भी कम होगा। तो बेसिकली आपका अगर ज़्यादा पेज व्यू आए भी तो तब भी कम होगा एंड ज़्यादा पेज व्यू ना आए तब भी कम होगा। तो बेसिकली ये अभी करंट सिचुएशन में मे बी COVID-19 के लिए अभी बहुत ही फालतू दे रहे हैं यार, देख सकते हो बहुत ही फालतू है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो लाइक मेरा टोटल
जो है 3032 के करीब पेज व्यू आए, 4046 के करीब एड इम्प्रेशन आए, उससे अर्निंग हुआ 0.04, जो कि बहुत ही फालतू है, जिससे अच्छा पॉपेट्स लगा देते। तो नेक्स्ट वीडियो में पॉपेट्स का भी मैं ट्राई किया हूँ, तो पॉपेट्स का भी दिखाऊंगा। एंड अभी COVID-19 सिचुएशन, सभी एड नेटवर्क का मैं वीडियो बनाऊंगा, तो कौन कौन सा एड नेटवर्क का आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना, जिससे मुझे आसानी हो बनाने में, वीडियो बनाने में। ओके, तो बहुत ही फालतू है, 0.01 CPM दे रहा है, हमारे CPM देखते रहे COVID-19 सिचुएशन में। तो अभी तो मेरे ख्याल से मत ही यूज करो यार, बहुत ही फालतू है। इनफो लिंक्स देख सकते हो, आज डेट देख सकते हो, 6 जून 2020। ओके, तो यही है, देख सकते हो यहाँ पे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे, कितना फालतू दे रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से अभी यूज मत ही करो। तो यही था इस वीडियो में यार, जस्ट शॉर्ट में मैं बता दिया कि कैसे क्या रेट है, क्या कैसा इंप्रेशन रेट दे रहा है इन पोलिंग्स अभी COVID-19 सिचुएशन में 2020 में। ओके, सो गाइस, ये सब देख के आपको पता है चल गया होगा कि लाइक्स इन पोलिंग्स अभी बेकार रिव्यू दे रहे हैं, एंड बिफोर कोरोना इशू, COVID-19 इशू, ये सब ठीक था। लाइक इन पोलिंग्स देता था, मैं देखा हूँ, मतलब मैं खुद पर्सनली देखा हूँ कि $1 प्लस देता था, बट अभी बहुत ही कम हो गया इसका CPM। तो अभी करंट टाइप पे इशू मत यूज करना आप, कोई भी मूवी साइड हो, कोई भी रिडायरेक्शन साइड हो, या फिर सेफलिंक के साथ, या फिर लाइक URL शॉर्टनर साइड में, इन पोलिंग्स अभी बेकार है। ओके, एंड ये सब चाइनीज एड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उस हिसाब से भी बेकार है। तो अभी करंटली इन पोलिंग्स यूज करना बेकार है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये बताना कमेंट में, एंड जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो यार, अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे एक डिजिटल रिव्यू के सीरीज में। ओके।